एक चीज़ याद रखना दोस्तों, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो किसी से भी उस चीज़ के बारे में डिस्कस मत करो। उस पोस्ट के बारे में किसी को मत बताओ कि भाई मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अगर डिस्कस कुछ करना भी है तो ऐसे लोगों से करो जो कि वो सेम पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हों या आपको कुछ गाइडेंस कर सके, गाइडेंस दे सकें, और जो आपके कंपिटिटर हों उनसे चीज़ें शेयर करो बस। इसके अलावा जो आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता उनसे किसी भी प्रकार की इस बारे में मत बताओ, कोई भी डिस्कशन मत करो। और ख़ासकर इसमें आपके दोस्त भी हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब हम दोस्तों को अपनी कोई चीज़ बता देते हैं, मान लो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे ही आप दोस्तों में जाओगे वो जाते यही कमेंट करेंगे, हाँ भाई ले भाई पुलिस ही आ गया। इससे दो चीज़ें होती हैं, या तो आप डिमोरलाइज हो सकते हैं कि भाई वो ज़्यादा जाते के साथ ही पुलिस वाला बोलते हैं, आपको शर्म आने लगेगी। दूसरा, आप अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत हो गई तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भाई मेरे सारे यार दोस्त मेरे को पुलिस वाला बुलाते हैं तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। इससे क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए उस पोस्ट के बारे में किसी से जिक्र ना करें, आपकी यारी दोस्ती में या फिर कोई रिश्तेदार अगर पूछता भी है, मान लो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये मत बताओ कि मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, उनको बता दो मैं SSC या UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि उनमें बैठा रहेगा हाँ भाई UPSC तो इसका हो नहीं सकता, बस वो अपने टेंशन फ्री रहेंगे। और आप क्या करेंगे, आप अपने बिल्कुल अच्छी तरह चुपचाप बिल्कुल तैयारी में लगे रहें। ऐसा अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि भाई जिस चीज़ को हम चुपचाप करते हैं ना, किसी भी काम को चाहे छोटे से छोटा काम हो, हम चुपचाप करते हैं तो हमारे अंदर एक वो सस्पेंस बना रहता है, उस चीज़ का काम को करने के लिए हमारे अंदर क्रेजीनेस रहती है कि भाई हाँ मुझे ये करना है, इतने टाइम में मुझे मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे 20 मिनट मिलेगी, तो 20 मिनट में मैं वो चीज़ रिवाइज कर सकता हूँ। हम अपना टाइम टेबल उसी तरह से शेड्यूल कर सकते हैं, और एक पागलपन रहता है उस चीज़ को, मतलब एक जिसे कहते हैं ना सस्पेंस बना रहता है कि भाई होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसमें हम क्या होता है हम बेस्ट देते हैं। बट जब हम कोई चीज़ को किसी को बताते हैं तो उस चीज़ के लिए जो क्रेजीनेस रहती है ना वो उतनी नहीं रहती है, ऐसा आपने खुद कई बार देखा होगा। और इसीलिए तो कहते हैं कि भाई मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो वही आपको करना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चुपचाप करो और किसी को मत बताओ। मान लो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो किसी को मत बताओ, एक साल सवा साल जितना टाइम लगता है लगने दो, किसी से बताओ मत। और जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जब आप दिल्ली पुलिस की व्हाइट टी शर्ट पहनेंगे और व्हाइट कैप पहनेंगे दिल्ली पुलिस की, तब अपनी जाके DP चेंज करो, किसी को बताओ मत कि वो मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। DP से सबको पता लग जाएगा कि भाई हाँ सफलता ने शोर मचा दी। तो इसीलिए दोस्तों अपनी तैयारी बढ़िया करते रहें, और दोस्तों आपकी जो ये जॉब है ना, जॉब को अपने यहाँ लगा के रखो, इसको अपना पहला प्यार बना लो, यहाँ छुपा के रखो, किसी से इस सीक्रेट को किसी को मत बताओ। और रही बात आपके सवालों की, आपके सवालों की बात कर लेते हैं। काफ़ी दोस्त ये पूछ रहे हैं कि सर तैयारी नहीं हो पा रही है क्या करें। भाई आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, चाहे दिन में करो चाहे रात में करो, आपको खुद ही मैनेज करना होगा, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता अलग से। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस का ही सारा खेल है। दोस्तों आपने मोहम्मद अली का एक कोट तो पढ़ा ही होगा, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज ए चैम्पियन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसमें यही समझाया गया है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ट्रेनिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसी में आपको आपकी 110% मेहनत झोंकनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप 110% मेहनत कर लेंगे तो गेम आपको 100% ही खेलना है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उसी का फ़ायदा होगा आपको पेपर के अंदर। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपका माइंडसेट बिल्कुल पेपर में वैसा ही होना चाहिए। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट से फ़ायदा क्या होगा कि आपका माइंडसेट बिल्कुल पेपर की तरह होगा। और मॉक टेस्ट भाई अगर आप लगा रहे हैं तो आपको बिल्कुल ठीक उसी मेंटेलिटी के साथ लगाना है, ये नहीं है कि आपको डील दे दिया कि भाई मैं इंग्लिश छोड़ देता हूँ, ये नहीं करना। मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसको बिल्कुल सीरियसली दीजिए, चाहे एक दें चाहे दो दें, जिस टाइम भी देते हैं उस टाइम पूरा फोकस आपका उसी पर होना चाहिए और बिल्कुल टाइम सेट करके दें, क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे वैसा ही तो असली मैच के अंदर खेलेंगे। तो भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के लिए, या कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी के लिए, आपको सिंपल सी बात पता है, 100 नंबर का पेपर तीनों के अंदर होगा, मिनिस्ट्रियल के अंदर भी, ड्राइवर के अंदर भी, और AWTPO के अंदर भी 100 नंबर का पेपर होगा। सबसे पहला प्रोसेस आपका यही रहेगा, तो भाई पूरा फोकस अपने इसी पे लगाइए। अगर आप मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी है, टाइपिंग वगैरह, वो बाद में हो जाएगी। वहीं अगर आप AWTPO के लिए
तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेड टेस्ट क्या है? ट्रेड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट बाद में हो जाएगी। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि ट्रेड टेस्ट में दिक्कत हो सकती है क्या। ट्रेड टेस्ट के अंदर कुछ नहीं होता है, ट्रेड टेस्ट के अंदर खाली वो आपका जो इसमें काम होता है ना, इसमें काम होता है वायरलेस ऑपरेटर में लिखने का और पढ़ने का, बोलने का, तो वही चीज़ें चेक की जाती हैं। आपको A4 साइज़ की शीट दे दी जाएगी, उस पर एक कोई पीछे अफसर बैठे होंगे, वो आपसे हिंदी में कुछ बोलेंगे, एक पेज वो लिखना होगा, एक पेज इंग्लिश के अंदर बोलेंगे, वो लिखना होगा। इसके अंदर 50% गलतियाँ माफ़ होती हैं। ये हो गया रिटर्न का। इसके बाद होती है आपको न्यूज़पेपर पढ़वा के देखेंगे, वो न्यूज़पेपर का कोई एक पैराग्राफ दे दिया आपको, वो हिंदी का भी दे देंगे और साथ में इंग्लिश का भी दे देंगे। पहले हिंदी का पढ़वा के देखेंगे, बाद में इंग्लिश का पढ़वा के देखेंगे। अब इसमें टेंशन वाली क्या बात है कि भाई ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, जब आप लिखेंगे तो वो आपको उस बहुत स्पीड ऐसी होती है जिससे आप लिख सकें। टेस्ट ऐसा है, ट्रेड टेस्ट में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रही बात टाइपिंग की, कई काफ़ी दोस्तों के सवाल आ रहे हैं कि भाई टाइपिंग में कितना टाइम लगेगा। टाइपिंग के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर आप बढ़िया टाइपिंग सीख सकते हैं। सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटे, आपकी टाइपिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। ध्यान रखिए, ये जो टेस्ट है सारे क्वालिफाइंग नेचर के हैं। जो मेन है आपका 100 नंबर का वो पेपर है जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो पूरा फोकस अभी पेपर पे ही कीजिए। रही बात कॉन्स्टेबल ड्राइवर के पेपर की, उसके अंदर भी 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 50 नंबर की तो आपकी रोड साइंस वगैरह व्हीकल इनसे रिलेटेड चीज़ें आएंगी, और रहे 50 नंबर, उसमें 20 नंबर की आपकी जीके आएगी, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी, 10 नंबर का मैथ आएगा। तो वही इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो जो सिलेबस आ जाएगा आपका। और भाई काफ़ी दोस्तों के सवाल आते हैं, सर आई साइट वीक है, अगर आपकी आई साइट ज़्यादा ही वीक है तो आप कोई दूसरे जॉब के लिए तैयारी कीजिए। अगर हाथ की बात करें तो कई कहते हैं कि सर ये वाली उंगली नहीं है, इतना हिस्सा नहीं है, तो भाई हाथ आपका पूरा बिल्कुल सही होना चाहिए, पूरी प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाता है। और एक चीज़ ध्यान रखें, कलर ब्लाइंडनेस की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है आपको, तो आप इस चीज़ के लिए तैयारी बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें बिल्कुल नॉर्मल पढ़वा के देखते हैं आपसे अच्छी तरह से, वो एक बुकलेट आती है वो पढ़वा के देखते हैं, तो उसमें दिक्कत आएगी, तो आपको पॉइंट बनेगा और आपको आगे भर्ती नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें। रही बात छोटी मोटी, जैसे आई साइट हल्की फुल्की वीक है, कोई पूछता है सर 169 पॉइंट समथिंग है, भाई वो आप थोड़ा बहुत खींच खाच के अपनी हाइट को कर सकते हैं। कोई बताता है उनको नोक नी प्रॉब्लम है, भाई नोक नी प्रॉब्लम है तो उसकी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, नोक नी की भी वीडियोज़ है, फ्लैट फुट है उसकी भी वीडियोज़ है, कैसे कि आपके एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपको फ्लैट फुट ना रहे, तो आप वहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। और भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, तो एक तो परिवार के अंदर बैठकर कभी तैयारी मत करें। अगर आपके घर में चौबारा है तो चौबारे में पढ़ें, अगर आपका कोई प्लाट है, प्लाट में छोटी मोटी जगह है, छाया है, आप वहाँ जा कर तैयारी कीजिए। अगर आपके खेत में कोई कोठड़ी वगैरह है या कोई कमरा है खेतों में, या 4-5 पेड़ है आसपास, तो उनकी छाया में बैठ के करें तैयारी। बट एक चीज़ ध्यान रखें, घर के अंदर कभी भी तैयारी मत करें। घर के अंदर तैयारी करेंगे तो क्या होगा, घर वाले आपको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे, या तो घर वालों से कहो बिल्कुल ही बोलो मत, अदरवाइज़ घर वाले डिस्टर्ब करेंगे, वो आपको समझेंगे नहीं, क्योंकि आपके अगर आप तैयारी कर रहे हो, घर वालों ने कोई काम दे दिया, तो उससे क्या होता है, शेड्यूल आपका ख़राब हो जाता है, माइंड ज़्यादा ख़राब होता है। शेड्यूल तो आप पढ़ाई के लिए टाइम तो आपको 1 घंटे बाद मिल जाएगा, बट आपका माइंडसेट उस तरह का नहीं होता है, क्योंकि आप अगर आप सोचते हैं कि भाई इस टाइम मुझे पढ़ता है, उस टाइम घर वाले कोई काम दे देते हैं, तो आपका हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है बाहर जाते ही। कोई यार दोस्त मिल गया, वो बता देगा कुछ बात, वो चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। तो भाई अगर आपको तैयारी करनी है तो घर वालों से दूर करें। अगर आपके पास लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, तो लाइब्रेरी में जाके ज्वाइन करें, और जितना हो सके फालतू के लिए यूट्यूब पे टाइम वेस्ट ना करें, सीरीज़ वगैरह कुछ ना देखें। ये टाइम है अपना फ्यूचर बनाने का। ये 5-6 महीने आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपकी और आपके पूरे परिवार की, तो इसमें पूरा जी जान लगा के तैयारी कीजिए। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर यही बताना था, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।